हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में मैंने आपको स्मॉल लेटर कर्सिव लेटर में स्मॉल लेटर्स जो है वो मैंने आपको बताए थे ए टू एम। आज हम एम टू जेड इन लेटर्स को लिखना सीखेंगे। सभी बच्चे घर में प्रैक्टिस करते रहिए जिससे कि आपकी हैंडराइटिंग जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन हो जाए। ठीक है, रोज आपको डेली के 2 पेजेस इंग्लिश और हिंदी दोनों ही हैंड राइटिंग्स करनी है जिससे कि आपकी जो हैंड राइटिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। जब भी आप कुछ लिखें, क्वेश्चन आंसर, ऐसे एप्लीकेशन कुछ भी लिखें, तो आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लीन और बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोज़ हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की। तो डेली के आप 2 पेजेस रोज आप अपना वर्क ये काम करेंगे कि 2-2 पेज आपको रोज हैंडराइटिंग करनी है। ओके, आज हम एम टू जेड लिखना सीखेंगे, एम टू जेड अल्फाबेट बनाना सीखेंगे। तो ए से लेकर एम तक मैं आपको बता चुकी थी, अब हमें एम से लेकर जेड तक अल्फाबेट को लिखना सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एम बनाएंगे। एम हमारा मिडिल 2 लाइन में स्टार्ट हो, देखिए किस तरह से ये हमारी मिडिल की 2 लाइन्स हैं। ये देखिए, ये हम ऊपर गए, यहाँ से ऊपर गए, ये नीचे आए, 1, 2 एंड ये। देखिए मैं ऊपर से बता रही हूँ, ये लाइन्स है सिंगल बच्चों के लिए, देख लीजिए 3rd-4th जो सिंगल लाइन की कॉपीज में लिखते हैं। ये हमने इस लाइन पर हमने पेंसिल रखी और हमने इसको यहाँ से टर्न किया। सिंगल लाइन वाले बच्चे किस तरह से लिखेंगे, जैसे कि उनकी ये सिंगल लाइन की कॉपी है, 3rd-4th के बच्चे सिंगल लाइन वाली कॉपी में लिखते हैं, तो यहाँ से हमें इसको ऊपर ले जाना है, 1, 2 एंड 3 एंड ऊपर कर, इस तरह से हमें इसको एंड को बनाना। ओके, ऊपर और देख लीजिए, ये लाइन पर हमने पेंसिल रखी, ये ऊपर ले गए, 1, 2 इसी तरह से हमें एन भी बनाना है। ये देखिए, ये ले जाते हुए हमने इसको ऐसे, ये देखिए, ये कर्व जैसा निकालना है जिससे कि आगे जो वर्ड है वो जॉइंट करते हुए हम लिखते जाए, इसलिए ये कर्व जो है वो इसमें बनाया हुआ रहता है। ओके, इस तरह से आपको इसको बनाना है, एम और एन दो। नेक्स्ट हमें बनाना है ओ, तो ओ भी हमारा 2 लाइन्स में ही बनेगा। ये देखिए, ये इस तरह से सिंगल लाइन वाले बच्चे, देखिए ये कर नेक्स्ट अल्फाबेट को ज्वाइन कर लेंगे, जैसे कि हमें गुड लिखना है तो ये हमारा ये गया, ये हमारा ये गया और नेक्स्ट अल्फाबेट ज्वाइन हो जाता है इससे, इसलिए ये ऊपर कर्व जो है वो ज्वाइन करने के लिए एक वर्ड को बना हुआ होता है। एम एक बार फिर देख लीजिए कैसे बनना है, ये देखिए सिंगल लाइन वाले बच्चे भी देख लें, ये इस तरह से, और 4 लाइन जो कॉपी है उसमें तो बीच की मिडिल 2 लाइन्स में इसको बनाना ही है। नेक्स्ट है पी, तो पी जो है वो 4 लाइन्स में बनता है। पी कितनी लाइन में बनेगा, 4 लाइन्स में, 1, 2, 3, 4, पूरी 4 लाइन्स में ही बनना
1 2 3 वाली जो लाइन है इससे हम ऊपर ले जाएंगे, नीचे आएंगे और ये इस तरह से ये बनेगा, एच जैसा बनता है। मगर ये कितनी लाइन से बनता है? 4 लाइन से। ये देखिए सिंगल लाइन वाले बच्चे देख लीजिए, ये ऊपर ले गए, नीचे आए और यहाँ पर इस तरह से इसको टर्न कर दिया, एच जैसा हमें इसको बनाना। तो ये क्या है? पी, स्मॉल लेटर, कर्सिव लेटर का स्मॉल लेटर में पी है। ये कितनी लाइंस बनता है? 4 लाइंस में। जो सिंगल लाइन के बच्चे लिख रहे हैं तो वो लाइन से नीचे तक इसको बनाएंगे। एक बार फिर देख लीजिए, ये 1 2 3 इस लाइन पे हमने ये रखा, ऊपर ले गए, नीचे आए और यहाँ से हमने इसको इस तरह से टर्न कर दिया। आपका पी बन जाएगा इस तरह से। एम एन ओ पी। नेक्स्ट अल्फाबेट के कौन सा आता है? क्यू। नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा होता है? क्यू। तो क्यू बिल्कुल सिंपल है, ये देखिए 1 2 3 लाइन में और ये नीचे की 3 लाइन में बनेगा, ये देखिए इस तरह से। ये ऊपर ले गए, सर्कल बनाया, नीचे आए और जॉइंट कर, सिंगल लाइन के बच्चे नीचे की 3 लाइन बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनना है, ये इस तरह से ये बनेगा। देखिए क्यू क्यू हो गया है, क्यू नीचे की 3 लाइन बनेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये ऊपर ले गए, सर्कल बनाया, यहाँ से नीचे आए, फिर ऊपर तक यहाँ पर 2 लाइन तक इसको टच किया है, सिंगल लाइन भी बचे, नीचे की 3 लाइन बनेगा। एक बार फिर देख लीजिए किस तरह से बना रही हूँ मैं, ये देखिए ऊपर ले गए, सर्कल बनाया, नीचे आए और इस तरह से ऊपर कर दिए, ये हो गया हमारा जी। एम एन ओ पी क्यू क्यू। आर, आर कैसे बनाना है? ये मिडिल की 2 लाइन्स है, आर ये देखिए इस तरह, देखिए सिंगल लाइन के बच्चे देख लीजिए, ऊपर ले गए, टर्न किया, फिर ऊपर ले गए और इस तरह से। फिर से देख लीजिए, ये देखिए 2 लाइन मिडिल वाली, ऊपर ले गए, ये तक घुमाया, ऊपर ले गए, फिर नीचे ले, इस तरह से ये आर बन। एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए सिंगल लाइन वाले बच्चे ऊपर ले गए, टर्न किया, फिर ऊपर ले गए, फिर नीचे, इस तरह से ये बनेगा आ। देखिए ये 2 लाइंस में ही एस बनेगा, ज्यादातर जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो 2 लाइंस में ही बनते हैं, कुछ लेटर जो होते हैं वो 4 लाइन में और नीचे की 3 लाइंस में या ऊपर की 3 लाइंस में बनते हैं, ज्यादातर जो है वो 2 लाइंस में ही बनते हैं।
तो टू लाइन्स में ही एफ बनेगा। देखिए ये 1 2 3 थर्ड लाइन में हमने पेंसिल को रखा, ऊपर ले गए, नीचे लाए, सर्कल हाफ सर्कल घुमाया और ऊपर से इस तरह। देखिए यहाँ पर फिर से बता रही हूँ मैं, सिंगल लाइन के बच्चे देख लीजिए, सिंगल लाइन कॉपी में लिखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने एक पेंसिल रखी, ऊपर ले गए, कर्व घुमाया, नीचे आए, यहाँ से लाते हुए हमने इसको ऐसे ज्वाइन, ये हमारा बन गया एस। एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए यहाँ रखी पेंसिल, ऊपर ले गए, नीचे आए, ये कर घुमाया इस तरह से। इस तरह से हमारा ये एस बनेगा। सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, रोज लिखेंगे, तो धीरे धीरे बहुत सुंदर सुंदर आप अल्फाबेट बनाना सीख जाएंगे। मगर आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आएगा, एस के बाद क्या आता है, टी। तो टी जो है वो थ्री लाइंस में बनेगी, ऊपर की थ्री लाइंस में टी बनाना है। देखिए 1 2 3 ये थ्री लाइन जो है ना, थ्री लाइन में हमें पेंसिल रखना है, ऊपर ले जाना है, उसी से टच करते हुए नीचे आना है और इसको ऐसे घुमाते हुए कर देना है और यहाँ पर लाइन, ये हमारा हो गया टी। यहाँ पर देख लीजिए ये पेंसिल रखी हमने, ऊपर ले गए, उसी को ज्वाइन करते हुए नीचे लाए, ये हमने कर दे दिया और यहाँ पर हमने लाइन इसको बना, ये हमारा बन गया टी। फिर से देख लीजिए, ये देखिए ये पेंसिल रखी, ऊपर ले गए, उसी को ज्वाइन करते हुए नीचे लाए, फिर कर जैसे घुमा दिया और ये लाइन बना, ये हमारा बन गया टी। टी के बाद आता है यू, तो यू भी हमें टू लाइंस में ही बनाना है। देखिए 1 2 3 जो थ्री लाइंस लाइन है उस पर टच करते हैं, ऊपर ले जाना है, फिर से ऊपर ले जाना है और इस तरह से इसको कर करना है। ये देखिए कर्व बना होता है आगे की वर्ड्स को जॉइंट करने के लिए। तो ये हमारा हो गया, कौन कौन से लेटर हो गए हमारे, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। नेक्स्ट है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू भी हमें ऐसे बनाना है। देखिए 1 2 2 लाइंस बनाना है, ये ऊपर ले गए, नीचे आए, फिर ऊपर ले गए, फिर नीचे आए, ऐसे कोई नहीं बनाएगा, ये आधा आधा नहीं छोड़ना है, ये आधा आधा नहीं छोड़ना है, इसको पूरा ले जाना है, इसे पूरा, ठीक है। इसी तरह से एम में भी और इसी तरह से डब्ल्यू पूरा ऊपर तक ले जाना है, फिर इसको कर देना। नेक्स्ट टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स में देखिए टू सी बनानी है, अपोजिट साइड सी बना देना, इस तरह से सी बनानी है एक अपोजिट साइड में,
अपोजिट मतलब उल्टी और एक सी, इस तरह से हमें ये बनाना। व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।